हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पूजा और इस चैनल पे हम बात करते हैं ब्यूटी, वेलनेस और लाइफस्टाइल के बारे में। तो इन दिस वीडियो आई विल शो यू माय नायका हॉल और ये मेरे चैनल पे पहला नायका हॉल है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो यू माय ऑल द प्रोडक्ट। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे नीचे है रेड कलर सब्सक्राइब बटन, उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा आगे अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। साथ ही बेल आइकन का बटन भी है, उसे भी जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूंगी उसका अपडेट आपको टाइम पे मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरा सारे प्रोडक्ट इस बैग में, क्योंकि 3 प्रोडक्ट्स डिवाइड करके आए थे, तो मैंने क्या करा, इस ब्राउन वाले कार्डबोर्ड में सारे इकट्ठे कर दिए हैं। देन 2 लग्जरी पैकेट भी हैं, तो मैं आपको 1 बाय 1 शो करके दिखाऊंगी। मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है जो है द फेस शॉप से, ये है हनी ब्लैक शुगर स्क्रब। और ये जो स्क्रब है, ये मैं काफ़ी टाइम से मंगाना चाह रही थी। इज़ अ वेरी गुड स्क्रब। थोड़ा सा कॉस्टली है, क्योंकि सारे प्रोडक्ट जो भी मैंने बाय किए हैं वो कुछ डिस्काउंट में ही मिले हैं, तो एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं पता मुझे। या तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन में सारे प्रोडक्ट के लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जो आपके चेक कर सकते हो। ये है द फेस शॉप का स्मार्ट पिलिंग हनी ब्लैक शुगर स्क्रब। ये आपके पूरे स्किन को एक्सफोलिएट करेगा और जितनी भी डेड स्किन होती है उनको ये रिमूव करेगा, और ब्लैक हेड्स, मेरे को थोड़े से व्हाइट हेड्स का ज़्यादा इशू है, उसको भी रिमूव करेगा। तो इसलिए मैं इसको सोचा एक बार ये ट्राई कर जरूर करना चाहिए। और जो मेरा सेकंड प्रोडक्ट है वो है प्लम का ग्रीन टी फेस मास्क। आप देख सकते हैं ये कुछ कार्डबोर्ड पैकेजिंग के अंदर आता है, उसके अंदर इसका टब है। जैसा आप देख सकते हैं ये कार्डबोर्ड इसकी पैकेजिंग है, इसके अंदर इसका टब है। ये मैं इसको फर्स्ट टाइम इसे यूज़ कर रही हूँ, और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इसका पैकेजिंग है। और ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इफ़ यू हैव प्रॉब्लम विद एक्ने और पिंपल्स, या फिर बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स वगैरह हैं, या बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता है आपके फेस से, मेरे स्पेशली टी जोन ज़्यादा रहता है, तो इसलिए मैं इसको ट्राई करना चाह रही थी। तो ये देखिए इसकी स्मेल एक कुछ काफ़ी रिफ्रेशिंग टाइप की है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप देख सकते हैं अंदर से कुछ इस तरह का है, तो एक बार ट्राई करेंगे तब देखेंगे कैसा निकलता है, क्योंकि इसके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसका एक नाइट जेल आता है, वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो तो मैंने नायका पे देखा, उसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। तो एक बार मैंने सोचा इसको एक बार ट्राई करना चाहिए, देखते हैं ये कैसा निकलता है। और जो मेरा थर्ड प्रोडक्ट है ये है बायोटिक का बायो फ्रूट लिप बाम। ये भी कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में है, इसके अंदर इसका टब है। इट्स अ वेरी गुड लिप बाम। इफ़ यू वॉन्ट टू ट्राई तो डेफिनेटली आप ये ट्राई कर। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की पैकेजिंग है, जैसे एज यूजल जो बायोटिक प्रोडक्ट्स की रहती है, ऊपर से ग्रीन और अंदर से इस तरह का कुछ। तो ये भी मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि लिप बाम, आई लव द लिप बाम। मेरे पास भी लिप बाम का बहुत ज़्यादा कलेक्शन है, क्योंकि मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा चैपी रहते हैं। बट जो मेरा फेवरेट है अभी तक का लिप बाम वो है लैग्ज का जो आता है लिप स्लीपिंग मथ, इज़ माई फेवरेट। क्योंकि जो आपके चैपिंग लिप्स है ना, आप उसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। बट इस लिप बाम के बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना है। ये इस तरह की कुछ पैकेजिंग है, आप देख सकते हैं, और अंदर से कुछ रेडिश है। ये देखिए बहुत ही क्यूट सा है, इसको भी एक बार ट्राई करके देखूंगी ये कैसा है, क्योंकि विंटर्स आर कमिंग, तो लिप बाम के बिना तो खत्म, मतलब कहते हैं ना कि विंटर्स लिप बाम के बिना तो अधूरी है, इसलिए एक लिप बाम भी मैंने इसमें ऑर्डर किया हुआ था। और मेरा अनदर प्रोडक्ट है ये है शीट मास्क। ये है लॉरेल का रिवाइटल लिफ्ट प्रो यूथ फेस मास्क। क्योंकि आई लव द शीट मास्क, आई लव टू यूज शीट मास्क, क्योंकि आफ्टर शीट मास्क यूज़ करने के बाद स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करती है, और बहुत ज़्यादा सीरम होता है ना आपके स्किन में, बहुत डीपली जाके आपके स्किन को बहुत ज़्यादा रिफ्रेश और ग्लोइंग रखता है, तो हाइड्रेट भी रखता है साथ साथ। तो मैंने फेस शॉप के और बहुत सारे ब्रांड के ट्राई किए हुए हैं, बट आई एम यूजिंग फर्स्ट टाइम दिस लॉरेल का रिवाइटल लिफ्ट फेस मास्क। इज अ स्किन प्लमिंग प्लस एंटी एजिंग, बिकॉज आई एम अबव 30, तो एक एंटी एजिंग का ट्राई करना बनता था। इसमें थ्री रेंज आते हैं, एक है ब्राइटनिंग का, सेकंड वन प्लम, थर्ड वन अदर आई डोंट नो। बस सभी प्रोडक्ट के लिंक आपको बाय लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप जरूर चेक कर सकते हो। ये इसका प्राइस 150 अराउंड था, देख सकते हैं कुछ इस तरह की पैकेजिंग इसकी आती है, सेम जैसे अनदर जो फेस पैक होते हैं। इसको भी ट्राई करके देखते हैं कैसा निकलता है। इसके बाद जो मेरे पास अनदर प्रोडक्ट है वो है गार्नियर का आई मास्क। ये मेरा सेकंड परचेज है, कुछ इस तरह की आप देख सकते हैं इस तरह की पैकेजिंग है। इसमें 2 पैकेजिंग आती हैं, आई हैव अ ग्रीन वन, एक आता है आई थिंक येलो वन आता है, वो मैंने यूज़ किया है, बहुत ही अच्छा था, इसलिए मेरा ये सेकेंड परचेज है।
ये है गार्नियर का हाइड्रो बॉम आई सीरम मास्क। ये भी एक शीट मास्क की तरह है, जैसे कि हम शीट मास्क अप्लाई करते हैं, ये इस तरह से यहाँ अंडर आईज में अप्लाई किया जाता है। तो आफ्टर अप्लाई यू फील वेरी रिफ्रेश। अगर इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम विद डार्क सर्कल और थोड़ा सा डार्कनेस है तो आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं। बहुत कूलिंग इफेक्ट देता है, क्योंकि शीट मास्क को भी अगर आप रेफ्रिजरेटर में रखकर यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट मिलता है, जैसा आप जानते होंगे। इसको भी आप फ्रिज में रखें, जब इसे यूज़ करेंगे तो अंडर आई एरिया आपको बहुत ज़्यादा रिफ्रेश फील कराएगा, और जितने भी आपके डार्क सर्कल्स हैं और जो डार्क एरिया है वो भी रिमूव करेगा। मेरे को बहुत ज़्यादा फेवरेट प्रोडक्ट है मेरा, इसलिए मैंने ये सेकंड परचेज किया, कि मैंने कहा इसको ग्रीन वाला ट्राई करते हैं। आई हैव ये है स्मूथ लाइन पफीनेस, जो आपकी पफीनेस है उनको भी रिमूव करेगा और कूलिंग इफेक्ट देगा। इट्स अ वेरी गुड मास्क, डेफिनेटली आपको भी एक बार ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इसके बाद जो मेरा अनदर फेस मॉइस्चराइज़र है, ये है एट्यूड। फर्स्ट टाइम मैं ये एट्यूड का एक मॉइस्चराइज़र ट्राई कर रही हूँ। कार्डबोर्ड जैसे आप देख सकते हैं, ऑरेंजी पैकेजिंग है अंदर इसका ट्यूब, ये कुछ इस तरह की इसकी पैकेजिंग है टब में। ये इसका नाम है एट्यूड हाउस। एट्यूड हाउस ऑल्सो अ कोरियन ब्रांड, और इट्स अ मॉइस्चरफुल कॉलेज क्रीम। और ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्रीम है, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेशन देगी आपके फेस को। तो आई लव द कोरियन ब्रांड, बिकॉज जो कोरियन ब्रांड के जितने भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो एट्यूड हाउस ऑल्सो कोरियन ब्रांड, जो मुझे नहीं पता था इससे पहले, तो मैंने सोचा इसका एक मॉइस्चराइजर ट्राई करना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, आप देख सकते हैं, मैं इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो लाइट वेट है, इफ़ यू हैव ऑयली स्किन तो आप चाहे तो एक बार ट्राई कर सकते हैं। मेरी कॉम्बिनेशन टू ऑयली है, ये देखिए आफ्टर अप्लाई थोड़ा सा शाइनी इफेक्ट देता है। तो एज अ नाइट स्किन केयर रूटीन में मैं इसे ऐड करूंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग पूरा रात एक तो स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रहेगी और नेक्स्ट मॉर्निंग काफ़ी ज़्यादा ग्लोई भी देखने को मिलेगा इसमें। ये देखिए, ये है क्लिनिक का द टेक ऑफ क्लीजनिंग बाम। ये कुछ इस तरह की इसकी पैकेजिंग आती है। इसके बाद है नेक्स्ट प्रोडक्ट जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ हमेशा, वो है नायका का लग्जरी स्टोर। तो लग्जरी स्टोर से जब भी कोई आप प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, वो कुछ इस तरह की ब्लैक कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है, बहुत ज़्यादा लग्जरी पैकेजिंग होती है। तो जब भी मैं ये ऑर्डर करती हूँ, जब मेरे को रिसीव होता है ना, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ इसको ओपन करने। तो मैंने ये ऑर्डर किया था क्लिनिक का टेक द डे ऑफ क्लीजनिंग बाम। ये मैंने स्पेशली लिया है अपना मेकअप रिमूव करने के लिए, क्योंकि मैंने काफ़ी सुना है कि सेंसिटिव स्किन पे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा सूट करता है, क्योंकि मेकअप रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा तामझाम की इतनी ज़रूरत नहीं होती। बट मेरी थोड़ी आईज़ बहुत सेंसिटिव हैं, तो मैं जब भी कोई मेकअप रिमूवर ट्राई करती हूँ, कैसा भी यूज़ करूँ, तो मेरी आईज़ बहुत ज़्यादा रेड पड़ जाती हैं, जैसे कि जो गार्नियर का आता है और द फेस शॉप का भी मैंने यूज़ किया है। ऑल आर द फाइन, ऑल आर द गुड, बट क्या होता है ना, उसको अप्लाई करने के बाद आइज़ बहुत रेड हो जाती हैं और मेरे स्किन में थोड़ी सी इरिटेशन होती है। तो मैंने सुना है ये सेंसिटिव स्किन अगर आपकी है तो आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा। बहुत ही कम प्रोडक्ट लगता है, पूरे जो स्किन का आपका मेकअप है ना, भले वो वाटर प्रूफ है, कैसा भी मेकअप है, बहुत आराम से उतर जाता है। दैट्स वाई मैंने ये ऑर्डर किया। ये आप देख सकते हैं, मैंने अभी यूज़ भी नहीं किया है, क्योंकि अभी तो कोई मेकअप लगाया भी नहीं था। आज मैं ट्राई करके देखूंगी कैसा निकलता है। इट्स अ वेरी लाइट वेट, क्योंकि इससे पहले क्लिनिक का मैं एक मॉइस्चर सर जो मॉइस्चराइजर आता है वो मैंने ट्राई किया है, लव, क्योंकि क्लिनिक ब्रांड जो है ना बहुत अच्छा ब्रांड है। ये देखिए ऐसा वाइटी सा, देखिए कितना, और बहुत ही कम प्रोडक्ट यूज़ होता है, क्योंकि इसके शायद दो पैक आते हैं। मेरे पास कितने ML वाला है, हाँ कहाँ लिखा है, मेरे पास 79 ग्राम का है, कुछ ऐसे ही है, आई डोंट नो। ये मेरे पास स्मॉल वाला है, ये 890 का, इसमें बिग वन आता है वो आई थिंक 3000 से अबव है। तो इफ़ यू वांट टू ट्राई, मतलब क्योंकि हमेशा जो लग्जरी प्रोडक्ट है वो हमेशा स्मॉल पैकेजिंग से ट्राई करने चाहिए। अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगे तो आप बिगर वन की तरफ जा सकते हैं। अभी देख सकते हैं कुछ इस तरह की पैकेजिंग। और इसके बाद मेरे पास अनदर लग्जरी प्रोडक्ट का एक और पैकेजिंग है, जो है ये देखिए द थैंक यू कार्ड, जो हमेशा एज यूजुअल ये इस पैकेट में देते हैं। ये है मेरे पास बॉबी ब्राउन का विटामिन ई। ये देखिए कुछ, ये मेरे पास सबसे छोटा वाला पैक है। ये देखिए इस पे, यहाँ पे इसका टैग लिखा हुआ है बॉबी ब्राउन का। ये मेरे पास 7 ml का है, कार्डबोर्ड पैकेजिंग जैसे मैंने आपको दिखाया है। ये है बॉबी ब्राउन की विटामिन एंजरिस्ट फेस क्रीम। इसमें है विटामिन ई, विटामिन सी, काफ़ी ज़्यादा
सॉरी विटामिन ई एंड विटामिन सी, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसका बड़ा पैक तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली आता है, इसमें आई थिंक 3-4 साइजेस आते हैं, तो मेरे पास सबसे छोटा वाला है 7 ml, तो इसका जो सबसे बड़ा आता है वो आता है 5600 का, तो मेरा इतना बजट नहीं था, तो 7 ml भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वान्टिटी है। अगर इफ़ यू हैव अ वेरी ड्राई स्किन तो आप जरूर ट्राई कर सकते हो बिफोर मेकअप, जिस टाइम आप मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हो, तो एज अ प्राइमर का भी काम करेगा और एज अ मॉइस्चराइजर का भी काम करेगा। इसको अप्लाई करने के बाद जो है ना आपका बेस बहुत ज़्यादा ग्लोई और बहुत अच्छे से सेट रहेगा और एक अलग ही लुक देखने को मिलेगा। ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं कैसा निकलता है मेकअप से पहले, ट्राई करने से पहले। इसके बाद मेरे पास अनदर प्रोडक्ट है, ये है बेला केयर के 100 अपने कॉटन पैड्स। कॉटन पैड्स के बिना तो मैं जब भी कुछ ऑर्डर करती हूँ नाइका से तो कॉटन पैड्स तो जरूर करती हूँ, क्योंकि कॉटन पैड दिन में मेरे पता नहीं कितने खर्च होते हैं, मॉर्निंग में जब स्किन केयर करती हूँ तब, देन नाइट में। तो ये 100 rupees के आई थिंक 175 या 125 के अंडर मिलते हैं, मुझे एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं पता। इसमें पूरे 100 हैं तो काफ़ी मंथ आपके आराम से चल जाता है ये, तो ये तो ऑर्डर करना बनता है। इसके बाद मेरे पास अनदर प्रोडक्ट है पैक का फाउंडेशन ब्रश। तो इफ़ यू आर अ लवर विद, मतलब अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर के मतलब ज़्यादा बड़े फ़ैन नहीं हैं तो आप ब्रश ट्राई कर सकते हो। इससे पहले भी मेरे पास एक पैक का है, वो भी मैंने यूज़ किया हुआ है, क्योंकि जो पैक के ब्रशेज़ हैं ना बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का है, बहुत ज़्यादा फ्लफी है, तो बहुत अच्छे से ना ये देखिए बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, जो लिक्विड फाउंडेशन होगा ना बहुत अच्छे से ब्लेंड होगा। आई थिंक ये 575 या 675 के अराउंड था, कुछ ऐसा ही था, बट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि पैक के ब्रशेस का मुकाबला कहीं नहीं है, बहुत अच्छा है। तो इससे ना क्या ब्लशिंग का भी काम हो जाएगा, एज अ ब्लशिंग कॉन्टोरिंग और अपना जो फाउंडेशन है, क्योंकि कभी कभी मैं जल्दी में होती हूँ तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर की जगह क्या करती हूँ ब्रश को यूज़ करना प्रेफर करती हूँ, इसलिए मैंने ये वाला अप्लाई किया है और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। देखिए इसके ब्रशेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो ईजिली जो लिक्विड मेरा फाउंडेशन होगा बहुत अच्छे से ये ब्लेंड भी हो जाएगा। इसके बाद मेरे पास लास्ट प्रोडक्ट है, ये है टोनी मोली का टेको पोर वन शॉट नोज पैक। तो बिकॉज मेरे जो वाइट हेड्स हैं उसका बहुत ज़्यादा इशू है, तो मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, मैंने एक दो यूट्यूबर को देखा था, तो ये तो पूरा ना ये देखिए जिस तरह से ये बना हुआ है ना, ये इस तरह से ऐसे करके पूरा आपके फॉरहेड को नोज़ को पूरा यहाँ अप्लाई करेगा, देन आफ्टर जितना 5 to 10 minutes जो रिमूव करना होता है वैसा ही इसमें है। तो इससे पहले मैंने चारकोल के यूज़ किए हुए हैं जो आते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा मैंने कौन से यूज़ किए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, उनसे अच्छा तो अभी तक मैंने देखा नहीं। ये टोनी मोली का एक बार ट्राई करके बनता है, देखें कैसा लगता है, क्योंकि सिर्फ एक वन टाइम यूज़ है, इसमें एक ही है आई थिंक, 2-3 तो नहीं है, वो भी आई थिंक मेरे को 200 का या 150 का पड़ा है, थोड़ा कॉस्टली है, क्योंकि वो चारकोल वाले जो आते हैं मुझे नाम नहीं अभी भी याद आ रहा, वो आई थिंक 150 में 3 या 4 पीसेज आपको नोज़ के मिल जाते हैं। एक तो सिंगल नोज़ का आता है, एक आता है फॉर हेड नोज़ एंड ये चीन का ऐसा आता है, देखते हैं कैसा निकलता है। डेफिनेटली आई विल ट्राई इन माय नेक्स्ट वीडियो। ये था मेरा नाइका हॉल, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।